जय श्री राम मित्रों, मेरा नाम है ऋत्विक शर्मा। स्वागत है आपका हमारे एक और ब्लॉग में। अभी हम लोग हैं अयोध्या श्री राम जन्मभूमि के पीछे वाली गली में, और ये मंदिर है श्री रामेश्वरम मंदिर। ये जो है एक तमिलनाडु की ब्रांच यहाँ पर भी है। जैसे मंदिरों की ब्रांच होती है, तो रामेश्वरम मंदिर जो है तमिलनाडु में है, वहीं की ये ब्रांच है यहाँ पे। इसके अंदर बाकायदा मैनेजर्स भी अलॉट किए जाते हैं मंदिर के लिए, जो कि डायरेक्ट तमिलनाडु या वहाँ के ऑफिस से ही एसोसिएटेड जितने भी लोग रहते हैं वो यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ भी जो यहाँ का जो कल्चर है, जो पूरी फैसिलिटी, वो पूरी साउथ इंडिया वाली है। तो अभी चलेंगे मंदिर के अंदर और आपको दिखाने का प्रयास करेंगे इसकी सुंदरता। तो बने रहिए वीडियो में। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। तो चलिए चलते हैं। देखिए, इस मंदिर का नाम श्री रामेश्वरम टेम्पल अम्मा जी मंदिर, एस्टेब्लिश्ड इन 1904। तो इस टेम्पल, ये है रामेश्वरम टेम्पल और अम्मा जी मंदिर इसका दूसरा नाम है। रामेश्वरम टेम्पल की ब्रांच है जो कि अयोध्या में है। तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर और आपको दिखाते हैं। तभी हम आ चुके हैं मंदिर के अंदर। ये देखिए, यहाँ पीछे पूरा जो है ये पीतल का बहुत बड़ा सा स्तंभ है। और इसके पीछे मंदिर है। मंदिर अभी खुला नहीं, बट अभी थोड़ी देर में शायद खुल जाएगा। फिर हम आपको इसको दिखा दें, तब तक चारों इसके हम आपको दिखाते हैं कैसे बना हुआ है। ये देखिए, इसके अंदर भी एक मूर्ति रखी हुई है। पिछले महीने की 12 तारीख को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पे आए थे पूजा करने। पूजा वूजा हुई थी, सब कुछ हुआ था। यहाँ पूजा होती है सुबह और रात में। तो चलिए दिखाते हैं आपको मंदिर के चारों ओर का परिसर। वीडियो बने रहिएगा। कोई मंदिर के ऊपर आ चुके हैं। ये ऊपर शंकर जी की मूर्ति है और ये देखिए विष्णु भगवान यहाँ पे लेटे हुए हैं। और कितने अच्छे से मंदिर बना हुआ है। हम लोग मंदिर के ऊपर वाले परिसर पे हैं। पीछे भी हमने आपको दिखाया वीडियो के माध्यम से कितना सुंदर यहाँ पे आर्ट और कुछ बनाया गया है। भगवान जी की मूर्तियाँ बनाई गई है। ये देखिए पीछे हमारे जो स्तंभ था, इसको हम पास से आपको दिखाते हैं। और पूरा भी यहाँ से दिखता है। ये देखिए पीछे सनसेट टाइप में भी हो रहा है। तो चलिए चलते हैं नीचे और मंदिर के अंदर चलने की कोशिश करते हैं और आपको दिखाते हैं। अभी आ चुके हैं मंदिर के परिसर में। अभी चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे कैसी कैसी मूर्तियाँ हैं, क्या क्या यहाँ पे है। तो चलिए चलते। ये देखिए कितनी अच्छी, कितनी सुंदर मंदिर है। स्वामी जी के पास चलते हैं, इनसे पूछते हैं। महाराज जी, ये बताइए अंदर कौन कौन से भगवान जी की प्रतिमा रखी हुई है? राम राम सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पुराण मंदिर साउथ साइड साउथ साइड थोड़ा थोड़ा। तो महाराज जी, राम सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न प्राण मंदिर मूल मूर्ति है, उत्सव मूर्ति सवारी मूर्ति है। राम सीता लक्ष्मण फाउंडेशन योगी सिंगम्मा पार्थसारथी। चलिए महाराज जी, महाराज जी कह रहे हम साउथ के हैं, हमें हिंदी थोड़ी थोड़ी आती है। अंदर राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी और सीता जी, पांचों लोग की मूर्ति अंदर रखी हुई है। और ये जो है क्या कहते हैं, साउथ का फाउंडेशन है, उन्हीं के द्वारा ये आयोजन किया गया। जैसे कि हमने आपको बताया था यहाँ पे सब लोग साउथ के ही हैं। तो आपके साउथ से ही आए हैं? देखिए महाराज जी भी साउथ से ही आए हैं। चलिए ये देखिए, श्री योगी परिसारथी इंगेनंग, योगी सिंगमल जी ने ये मंदिर बनवाया था, वही इसके फाउंडर हैं। ये देखिए, चलिए आपको दिखाते हैं। हमारे पीछे प्रतिमा देख रहे हैं, ये जय की, जय जी की है। और इधर भी सेम ऐसे ये विजय जी की है और अंदर श्री राम जी हैं।
ये दोनों प्रतिमाओं का मतलब आप समझ सकते हैं गेट के बाहर इसलिए है, ये एज ए सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे काम करते हैं, मतलब खड़े रहते हैं। मान्यता यहाँ की ये है कि अगर आप प्रभु श्री राम जी के दर्शन करना चाह रहे हो तो पहले आपको इन दोनों से परमिशन लेनी पड़ेगी। ये यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड जैसे यहाँ पे खड़े रहते हैं, आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप जाके अंदर दर्शन कर सकते हो श्री राम जी के। जैसे ये जय हैं और ये विजय हैं, क्यों महाराज जी जय और विजय? जय और विजय, हाँ ये यहाँ पे सिक्योरिटी द्वारपालिका है यहाँ के, है ना, इनको कहते हैं द्वारपालिका, सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड जैसा देखिए महाराज जी ने बताया। बहुत आपको मंदिर कैसी लगी होगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर मंदिर के बारे में आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट करके बताइएगा, और कुछ भी आपको पूछना होगा और आप कभी भी अयोध्या हैं तो हमसे ज़रूर मिलिएगा, है ना। तो चलिए आज की वीडियो करेंगे यहीं पे एंड। मंदिर कैसी लगी हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय।